नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बस्सी की रेसिपी एंड ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, तो आज हम बनाएंगे सनई की फूल की बहुत ही प्यारी सब्जी। और हम इसके लिए देखिए ये बहुत प्यारे सनई के फूल ला चुके हैं। गाइस, तो देखिए हमने यहाँ वाटर हीट कर लिया। गाइस, हम इसमें ये सनई के फूल ऐड करेंगे, इसको बॉईल करना होता है। गाइस, तो देखिए सनई को हॉट वाटर में उबाला जाता है गर्म पानी में। तो देखिए ये इतना अच्छा उबल गया है और ये उबल के नीचे डाउन में चला गया है। तो गाइस, हम आज इसकी इस फूल की बहुत ही अच्छी शानदार सब्जी बनाएंगे, जिसे आप भी देखिएगा। गाइस, तो देखिए हमारा यहाँ सनई अच्छा बॉईल हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। गाइस, तो हमने इस तरह से छन्नी ली है, अब हम इसमें सनई का साग को पलटेंगे। गाइस, तो देखिए इस तरह से हम करेंगे, नीचे पानी हमारा निकल जाएगा। गाइस, तो ये देखिए हमने इस तरह से दबा के पानी निकाल लिया है इसका। और गाइस, ये देखिए इस बर्तन में हमारा पानी आ गया और ये हमारा छेद वाला बर्तन है। गाइस, कुछ लोग इसे हाथ से दबा के भी पानी निकाल लेते हैं, मगर हम इसकी सहायता से इसको हमने इस तरह से दबाया तो सारा पानी अंदर को चला गया। गाइस, हमने एक पैन में ऑयल हीट करने के लिए रख दिया, अभी हमारा ऑयल हीट हो रहा है। गाइस, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई के दाने और इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से। तड़का इतना अच्छा हो रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लहसुन। गाइस, अब हम ऐड करेंगे इसमें ये सूखी मिर्च। हमारा तड़का तैयार हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सनई का साग। गाइस, तो हमने यहाँ सनई का साग डाल दिया, अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इस तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और सब्जी मसाला, धनिया पाउडर। तो गाइस, ये सभी हमने मसाले डाल दिए हैं, अब हम इसको चलाएंगे। तो गाइस, हम इन सभी मसालों में इसको चला लेते हैं। और गाइस, इसको आप जितना अच्छा पकाओगे उतना अच्छा ये बनके तैयार होगा। तो गाइस, जैसे ही बनकर तैयार होगा मैं दिखाऊंगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रखने जा रही हूँ। गाइस, तो देखिए हमारा सनई का साग बनकर बिल्कुल अच्छा तैयार हो चुका है, मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। गाइस, तो देखिए हमारा ये सनई का साग बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।